फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर एस के मुंद्रा आपके सामने एक बार फिर। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सरकमस्टांस ऐसे क्रिएट हो गए कल कि मुझे आज आपके सामने आना पड़ा। कल एक हमारे रिलेटिव हैं, उनके घर में कुछ कोरोना के सिम्टम्स थे और मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कम से कम अपने इलाके और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पता किया, एक सिंगल बेड अवेलेबल नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात को सुनकर, और मैंने भी कोशिश किया और मुझे पता लगा कि जो एडमिशन के पावर्स हैं वो एडमिन हेड से हटाकर मैनेजमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है। और एडमिशन उन लोगों का हो रहा है जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं। तो अब हम क्या करें? एक जनरल पर्सन क्या करे? एक आम इंसान क्या करे? कोरोना है, सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने घर में ही इलाज कर रहे हैं, और अगर सही बोलूं तो जितने लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं, मौत की संख्या भी उनमें ही ज्यादा है। जो लोग अपने घर में क्वारंटाइज हैं, घरेलू इलाज कर रहे हैं, और एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं आप सबको बोलूं, मैं आपको सबको यही सजेशन दूंगा कि आप यहां वहां एडमिट होने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। बहुत सिंपल इलाज है, अलग अलग स्टेजेस में आपको बता देता हूं कि अगर कुछ खाना पीना आप खाने की हालत में है, तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, विटामिन सी जिसमें आप पाया जाता है, जैसे मौसमी जूस है, अनानास है, इवन अंगूर है, अगर आप इनका सेवन बढ़ा देते हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे गारंटी दे सकता हूं कि आपको 2 दिन के अंदर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप स्टीम का प्रयोग कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन का, लेकिन कुछ थोड़ी सी गलतियां होती है, लोग बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स कर देते हैं, तो आपने मिक्स नहीं करना है। आपने एक बार हल्दी का स्टीम लेना है, एक बार आपने जिंजर का स्टीम लेना है, एक बार आपने पेपर मिंट डालकर स्टीम लेना है। आपस में चीजों को मिक्स ना करें, सेपरेट सेपरेट स्टीम लें। एंटीऑक्सीडेंट जितने भी ज्यादा हो सकते हैं उसका प्रयोग करें। गिलोय का रस अगर अवेलेबल है तो गिलोय का रस आप जरूर लें। लेकिन फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर कई लोगों से जब बातचीत होती है तो बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिला देते हैं। अगर आपको गिलोय लेना है तो सिंगल गिलोय लीजिए, कुछ भी मिक्स मत कीजिए उसमें। और अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं, हल्दी लेना चाहते हैं, तो हल्दी अलग से ले लीजिए। चीज़ों को आपस में मिक्स मत करें। अगर आप चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके बीच भी केमिकल रिएक्शन होगा और वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर भी लेना चाहते हैं आप, हल्दी भी लेना चाहते हैं, तो उसको अलग अलग लेने की कोशिश करें। ओमेगा थ्री किसी भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ओमेगा थ्री का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना ज्यादा हो सके आप रेस्ट करें। नींद अगर आती है तो आप अच्छी नींद लेने की कोशिश करें और पैनिक सिचुएशन को छोड़ दें। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जिससे आपकी इम्यूनिटी कभी भी बूस्टअप नहीं हो सकती। और इम्यूनिटी को अगर बूस्टअप करना है, जीवनी शक्ति को बूस्टअप करना है, तो आप स्ट्रेस को भूल जाइए। इसको माइनर, जैसे हम फीवर कोल्ड कफ को अपनी लाइफ में जिस तरह लेते थे, एग्जैक्टली वैसे ही लेने की कोशिश करिए।
अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूं, ऐसे चक्करों में पड़कर अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। तो ये आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत है कि आपको स्ट्रेस कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में नहीं आना है। जितना हो सके आप पानी पीने की कोशिश करिए, जूसेस के फॉर्म में पानी पीजिए या पानी सिंपल पानी पीजिए। कई सारे लोग ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिनमें हम देख रहे हैं वो कुछ खा पी नहीं पा रहे। ऐसे केसेस में मैं बोलूँगा एक एक चम्मच मौसमी का जूस दें, सिर्फ एक चम्मच। और अगर मौसमी जूस 90% तो चांसेस है मौसमी जूस उनको डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप एक एक चम्मच शहद ज़रूर दें। एडेड शुगर बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एडेड शुगर इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफी भी अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी की डिफेंस पावर बढ़ जाएगी। दूध मिक्स ना करें उन चीजों में। अगर आप इतनी चीजों का सरफ प्रयोग करते हैं, मैं आपको एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर अस्योर करता हूं कि आपकी फैमिली में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। विश्वास रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। कोरोना से किसी की डेथ नहीं होगी अगर आपने बॉडी के अंदर नेचुरल फूड जाने दिया तो। आप इस दौरान फास्ट फूड ना खाएं, पेप्सी ना पिएं, ज़्यादा मेडिसिन डिपेंडेंट ना हो। अगर फीवर ज़्यादा हो तो आप गिलोय वगैरह ले सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सिर्फ पैरासीटामोल का आप यूज़ करिए। और मैं आपको बाकी मेडिसिन्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप लें। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हड़बड़ी में वैक्सीनेशन लेने की भी कोशिश ना करें। बॉडी में नॉर्मलाइज होने दीजिए। बॉडी का डिफेंस पावर से ज़्यादा कोई अच्छी वैक्सीनेशन नहीं होती है। आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा पावर रखती है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आप ध्यान दें, जो चीज़ें मैंने आपको बोली है मैं रिपीट कर देता हूँ। आप गार्लिक का प्रयोग करें, आप टर्मेरिक का प्रयोग करें, पेपरमिंट का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और बीमार अपने आप को बिल्कुल ना सोचें। लाइट एक्सरसाइज करें, ओमेगा 3 अगर आपके पास है तो उसको प्रयोग करें। सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, इवन अगर फ्रूट्स भी नहीं अवेलेबल है तो आप टमाटर का इस्तेमाल कर लीजिए। डेफिनेटली 2 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको इस बात की अगेन गारंटी और अश्योर कर रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं होना है किसी को भी। जो भी लोग मर रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक है, जिनको ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें ना करें। भाग दौड़ ना मचाएं, शांति रखें, घर में शांति बनाए रखें। डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।